गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास सिक्स चैप्टर नंबर सिक्स। ठीक है, साइंस में सिक्स क्लास चैप्टर नंबर सिक्स, चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो भी हमारे चारों तरफ चेंजेस हो रहे हैं उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक वो ग्रुप जिन चेंजेस को हम वापस से पहले वाली शेप में ला सकते हैं, जिसको हमने बोला था रिवर्स्ड, और दूसरा ग्रुप वो आज हम पढ़ेंगे, वो आपके चेंजेस जो अगर एक बार आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनमें अगर एक बार बदलाव हो गया तो वापस से हम उस बदलाव को नहीं ओरिजिनल कर सकते, पहले जैसा उसको नहीं कर सकते। जैसे मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, मान लिया आप कोई पेड़ है, छोटा सा पौधा है, वो धीरे धीरे क्या करता है, ग्रोथ हो रही है उसकी, तो छोटे से वो बड़ा हो गया। अब बताओ क्या आप उस बड़े को वापस छोटा कर सकते हो? नहीं। तो ये भी एक चेंजेस है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो इरिवर्सिबल चेंजेस पढ़ेंगे आज हम, जिसको नहीं बदला जा सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर फोर से। पहले आपने देखो चेंजेस किया था बलून, बलून के अंदर आपने हवा भरी और फिर हवा निकाल दी तो वो पहले जैसा वापस हो गया ओरिजिनल शेप में। आज उसी बलून की एक्टिविटी दोबारा से करते हैं, जिसको इरिवर्सिबल बोलेंगे। क्या है? टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी वन। आप उसी बलून को, गुब्बारे को दोबारा से लें जो आपने एक्टिविटी नंबर वन में लिया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज, उसके अंदर जितना उसका साइज है ना, फुल हवा भर दो उसके अंदर। एंड टाई इट्स माउथ, उसके जो उसका मुंह है उसको बांध दो किसी भी धागे की हेल्प से। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप्स ऑफ योर पेंसिल। क्या करो? प्रिक का मतलब होता है उसको, मतलब हमने क्या किया, जो पेंसिल है ना उसकी जो निब होती है उससे क्या किया हमने, उस गुब्बारे को टच किया या फिर उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश की। ठीक है, तो क्या होगा, जब बलून है वो फट जाएगा। ठीक है, तो बलून फूट जाता है। अब जैसे ही वो फूट जाएगा तब बताओ क्या उसको पहले जैसा किया जा सकता है? नहीं, हम उसको पहले जैसा नहीं कर पाएंगे दोबारा से। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो बदलाव हुआ, बलून फूट चुका है, इस बदलाव को हम नहीं बदल सकते वापस, यानी कि ये जो चेंज आया ये कैसा है, इरिवर्सिबल। उससे नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। आपने पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था, अभी दोबारा से देखते हैं क्या है। एक्टिविटी नंबर फाइव, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी नंबर टू। उसी कागज को आप दोबारा लो, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट, उसके ऊपर एक जहाज की पिक्चर बना दो। कट अलोंग इट्स आउटलाइन, और उसको काट लो उस पिक्चर के किनारों से, पिक्चर को बाहर निकाल लिया आपने। ठीक है, अभी क्या करोगे, देखो इस प्लेन को उड़ाओगे आप, और उड़ाने के बाद क्या हम उस पेपर को पहले जैसा कर सकते हैं? नहीं। लेकिन जो इससे पहले एक्टिविटी की थी उसमें हमने क्या किया था, वो एरोप्लेन बनाई, उससे खेले, और बाद में उसको अनफोल्ड करके पहले जैसा पेपर तैयार हो गया। लेकिन इस एक्टिविटी में हम ये जो हमने काट लिया है पेपर को, इसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है आपका, इरिवर्सिबल। चलिए नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी नंबर सिक्स, रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डव। लोई से आपने एक रोटी बनाई, एंड बेक इट ऑन ए तवा, और तवे के ऊपर उसको सेंक दिया। ठीक है, बेक किया यानी कि वो फूल जाएगी। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम थ्री क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी थ्री, व्हाट वुड यू आंसर बी नाउ। देखो अब ये पहले क्या किया था, डव से रोटी बनाई थी, रोटी से वापस डव कर सकते थे, लेकिन अभी क्या किया, उस रोटी को बेक कर दिया आपने, उसको सेंक दिया अच्छे से। अब इसको वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते हम
डाउ के अंदर, ठीक है। तो अब डो तैयार नहीं किया की जा सकती इस रोटी की हेल्प से, बेक्ड जो रोटी है इसकी हेल्प से वापस नहीं लेके जा सकते, इसलिए ये भी कैसा है, इरिवर्सिबल चेंज। वी सी दैट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5 and 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जो चेंजेस एक्टिविटी नंबर 4, 5 और 6 में हुए हैं इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। You use a pencil and an eraser with repeated use. The shape and size changes. Can we reverse this change? नहीं। क्या कर रहे हो, जैसे पेंसिल लेके आते हैं हम नई, उसको यूज़ करते जाते हैं, छीलते जाते हैं, वो छोटी होती जाती है, क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, वापस बड़ी कर सकते हैं? नहीं। ऐसे ही इरेज़र, आप जब हम रब करते हैं किसी चीज़ को तो वो घिसता चला जाता है, क्या उसकी शेप साइज को पहले जैसा किया जा सकता है? नहीं। तो वो कैसे चेंजेस हैं बेटा जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव सीन ए पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने किसी कुम्हार को देखा होगा अपने व्हील पे, जो चाक होता है उसको जो बोलते हैं, जो व्हील होता है उस पे काम करते हुए। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू ए पॉट। वो क्या करता है, मिट्टी को एक घड़े में तब्दील कर देता है। कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स्ड? यस, उस टाइम पे वो मिट्टी का जो कच्चा घड़ा है ना उसको हम वापस से मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। फिर वो क्या करता है, उसको गर्म कर देता है भट्टी में, ठीक है, और वो पक जाता है फिर। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? पकने के बाद वापस से मिट्टी नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। जब कच्चा था तो उसको हम शेप रीशेप कर सकते थे दोबारा, लेकिन जब उसको आग में रख के उसको पका दिया है, अब उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। कुछ चेंजेस दे रखे हैं आपकी टेबल में। विच ऑफ दी चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? इनमें से कौन से चेंज हैं जिनको आप वापस चेंज कर सकते हो, और कौन से ऐसे हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता? तो चलिए, आप ये टेबल हैं इसमें चेक करते हैं। इस टेबल को आप अपनी हेल्प से, अपने तरीके से इसको आप चेक करें, ठीक है। तो देखो चेंजेस क्या हैं। रो एग टू बॉयल्ड एग, कच्चा एक अंडा था उसको आपने बदल दिया, पका दिया उसको, तो पके हुए को क्या वापस कच्चा कर सकते हैं? नहीं, तो बोल दोगे नो, ठीक है। ऐसे ही आपके बैटर टू इडली है, वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, ठीक है, गीले कपड़े हैं सुखा दिए, वापस गीले भी हो सकते हैं, वापस से पानी डाल दो। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, जो आपके ऊन होती है उससे स्वेटर बना दिया है उसको वापस से चेंज कर सकते हैं। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ये नहीं होगा। ग्रेन टू इट्स, जैसे गेहूँ है उससे आटा बना दिया, क्या आटे को यूज़ करके वापस गेहूँ बना सकते हैं? नहीं। तो इसमें बेटा बहुत सारी ऐसी चेंजेस हैं जो आप चेक करोगे, जैसे मिल्क टू पनीर, ठीक है, बट टू फ्लावर, ठीक है, ये नहीं हो सकते। कुछ एक ऐसे होंगे जो वापस हो सकते हैं, जैसे आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, ये वापस किया जा सकता है। पहले आइसक्रीम थी, अब वो पिघल गई है, उसको वापस से फ्रीजर में रख दो फिर से वो जम जाएगी, तो ये रिवर्स हो सकता है। तो आपको ये बताना है, इस टेबल को फिल करना है कि कौन सा रिवर्स हो रहा है और कौन सा रिवर्स नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। उससे नेक्स्ट है आपका, Could there be other ways to bring a change? क्या वहाँ पे और भी कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनसे हम बदलाव कर सकते हैं? देखते हैं। We all have seen the tools which are used to dig the soil. हमने बहुत सारे ऐसे औजार देखे हैं जिनसे हम मिट्टी की खुदाई करते हैं। Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? जो आयरन लोहे का ब्लेड होता है उसको लकड़ी के हैंडल में हम कैसे फिक्स करते हैं, कैसे डालते हैं, फिट करते हैं, वो हम देखते हैं। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैव अ रिंग इन विच
द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। इनमें एक रिंग होती है, देखो बीच में जो रिंग होती है इसी में हम किसी लकड़ी के टुकड़े को यानी कि हम डाल देते हैं वहाँ पे। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज। जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है, लोहे को जब गर्म किया जाता है तो इसका जो रिंग है, जो ओपनिंग होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। एक्सपेंड होने का मतलब होता है फैल जाना, तो थोड़ी बड़ी हो जाती है। नाउ द हैंडल ईजीली फिट्स, और हैंडल को हम उसके अंदर आराम से डाल सकते हैं, इन टू द रिंग, रिंग के अंदर। देन फिर बोला हमने, व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल। और वापस से जब वो ठंडी होगी तो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाएगी और जो हमारा हैंडल जो हमने वहाँ पे रखा है वो वापस से टाइट हो जाएगा। ठीक है, सच ए चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन ए वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। ये एक जो लकड़ी का जो पहिया होता है उसमें अगर हमें ये मेटल की रिंग इसके चारों तरफ लगानी हो तो इसको भी पहले हीट करो, ये एक्सपेंड हो जाएगी, फिर इसमें फिक्स करो और वापस से ये पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है, अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड एंड फिट्स ऑन टू द व्हील। गर्म करके व्हील के ऊपर हम उस रिंग को लगा देंगे, कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड, उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे और वो ठंडी हो जाएगी और सिकुड़ जाएगी, जिसकी वजह से वो व्हील के ऊपर एकदम से टाइटली फिट हो जाएगी, टाइटली पैक हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं, व्हेन वी हीट वाटर इन ए पैन, जब किसी पैन में हम पानी को गर्म करते हैं, इट बिगिंस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद वो बॉयल करना शुरू कर देता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, अगर हम उसको गर्म करते रहें, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज, जो पैन है पतीला है उसके अंदर से अब पानी कम होना शुरू हो जाता है। देन वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स, जो पानी है वो बाफ में, वेपर्स में, वास्प में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। In activity number 7, chapter 5, you have observed that water vapors gets changed into liquid water when it is cooled. ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि हम वाटर वेपर को वापस से पानी में बदल सकते हैं, कब, उसको ठंडा करके, कंडेंसेशन हमने पढ़ा था, तो कंडेंस करके उसको वापस से हम ठंडा करके पानी में बदल सकते हैं भाफ को। We all have noticed melting of ice. हमने आइस को पिघलते हुए देखा है। आइस melts when it is heated. जब उसको गर्म करेंगे तो पिघल जाती है। What does it change into? Is it possible to change this water back into ice? क्या पानी को दोबारा से आइस में बदला जा सकता है? बिल्कुल हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ एक्टिविटी हमने की है जिनमें हमने बदलाव किए हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं एक्टिविटी नंबर आपकी, उसके बाद एक्टिविटी नंबर 7 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।